नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम विनोद बाबू है। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि कृषि से जुड़े तीनों नए कानूनों को वापस लिया जाए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान संगठनों की सहमत से 8 दिसंबर यानी मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। 8 दिसंबर भारत बंद के बाद 9 दिसंबर को मीटिंग होनी है। आज किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी साथ खड़े हैं और ट्वीट करके 8 दिसंबर भारत बंद का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके अन्नदाता की मांगों पर समर्थन दिया है और वो किसानों के साथ हर पल उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने भी ट्वीट करके किसानों को 8 दिसंबर भारत बंद पर समर्थन कर रही है और किसानों के साथ कांग्रेस के नाम से वीडियो भी प्रसारित किया है। भारत के किसानों के साथ राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं। किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सभी पार्टियां समर्थन कर रही हैं। पार्टियों का कहना है कि किसानों के बिल को वापस लिया जाए, जो विधेयक पारित किए गए हैं उनको रद्द किया जाए। अब जान लेते हैं कि किसान आज आंदोलन क्यों कर रहा है। किसान आंदोलन कर रहा है विधेयकों के पारित होने के बाद। तीन विधेयक पास किए गए हैं, इन्हें किसान बिल के नाम से भी जाना जाता है। इन विधेयकों में मुख्य बात MSP को लेकर हुई है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार ने विधेयकों को पारित तो करवा लिया है, पर किसानों को आशंका है कि MSP मिलने या ना मिलने पर उन्हें आशंका जताई जा रही है। किसान आज विधेयकों के पारित होने पर आज आंदोलन कर रहा है। किसानों का कहना है कि MSP फिक्स कर दी जाए, यानी जो बिचौलिया अर्थी यानी कि व्यापारी हैं वो हमारे धान गेहूं खरीदना चाहते हैं, उनकी रेट फिक्स कर दी जाए, जो कि इन विधेयकों में ऐसा नहीं हुआ है। किसान आज आंदोलन कर रहा है, उनका कहना है कि MSP को फिक्स कर दिया जाए। किसानों का अनाज अड़ती यानी कि बिचौलिया MSP फिक्स करने पर कोई किसानों पर दबाव नहीं डाल सकता है। किसानों का यही कहना है या तो MSP फिक्स कर दी जाए या इन विधेयकों को रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि MSP फिक्स की जाए कि इन विधेयकों को रद्द किया जाए। जब वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो साथ ही लाइक और फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। देखते रहें ज्ञान कोश। धन्यवाद।